नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली का पावन त्यौहार आने वाला है और ऐसे में आपको यह कुछ चीजें अपने घर से उससे पहले ही निकाल लेनी है, क्योंकि इन चीजों को रखने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। यह अगर उनका आगमन होने वाला होता है तो वह बाहर से ही लौट जाती हैं। तभी आपने देखा होगा कि हमेशा जो भी अच्छी चीज होती है वह केवल एक ही बार हो पाती है और बुरी चीजों का होना निरंतरता रखता है। आपके साथ अगर कोई बुरी घटना घट रही है तो वह बार बार आपको परेशान करती है, लेकिन कोई अच्छी चीज अगर आपके साथ घटती है तो आपको यह तो पता ही होगा कि वह केवल एक ही बार आपके साथ घटित होती है। इसीलिए दोस्तों, दीपावली का पावन त्योहार 27 अक्टूबर को इस बार रविवार के दिन पड़ रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी का पूजन इत्यादि करेंगे। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा, दीपावली से कुछ दिन पहले ही हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। वह इसलिए हम करते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी शुद्धता और साफ सफाई की जगह पे ही विराजमान होती हैं। स्वच्छता में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए सभी दीपावली आने से पहले ही अपने घर को स्वच्छ बनाने लगते हैं। सभी बुरी चीजें हमारे घर से चली जाएं, ऐसी हम मनोकामना भी करते हैं। तो आज कुछ खास ऐसी चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनके रखने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती ही जाती है, इसीलिए दीपावली आने से पहले ही अपने घर से हटा दें। दोस्तों, यह बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है घर में, किचन में, घर के रसोई घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए, क्योंकि रसोई ही ऐसा स्थान होता है जहां भोजन पकवान बनाया जाता है। और ऐसी पुरातत्व में कहावत भी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, इसलिए वहां पवित्रता रखना बहुत ही विशेष माना गया है। रसोई घर को अधिकांश पवित्र रखें और टूटी हुई चीजों को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालें। कभी भी रसोई घर में जाले नहीं उगने चाहिए, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा और बढ़ती है। अब दोस्तों, दूसरी चीज है घर में पुरानी चीजें, अर्थात जिनका उपयोग नहीं है। अगर आपने ऐसी चीजों को जमा करके रखा है तो उनको अभी अपने घर से बाहर निकालें। इससे भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिरता आपको प्रदान नहीं करती, अर्थात वह आपके घर में स्थिर अवस्था में नहीं रहती, वह चंचला होकर ही रहती है। इसीलिए लोगों का कहना भी होता है कि मेरे पास पैसा आता तो है लेकिन वह टिकता नहीं है। उसका यही कारण होता है दोस्तों। उसके बाद तीसरी चीज है घर में पुरानी झाड़ू। अगर दीपावली से पहले आप अपने घर की पुरानी झाड़ू किसी गरीब या किसी ऐसे जरूरतमंद को दे आए तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहता है, क्योंकि हमेशा दीपावली के समय पे हम नया झाड़ू जरूर खरीदते हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण भी माता लक्ष्मी ही होती है, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और घर में साफ सफाई रखना चाहते हैं। दोस्तों, चौथी चीज है आपके बच्चों के पुराने खिलौने। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो उनका खिलौनों से खेलना आम बात है, लेकिन अगर वहीं आपके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके पुराने खिलौने आपके पास अभी भी जमा है तो उनको किसी जरूरतमंद या गरीब के बच्चों को दे आएं, क्योंकि वैसे भी उनका उपयोग अब आपके संतान या आपके बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो उसका उपयोग वह गरीब बच्चे जरूर कर सकते हैं और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ वह खास चीजें जिनको कभी भी अपने घर में ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए, इससे हमेशा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसी ही कुछ खास जानकारियां लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।